यार, इसको तो संभाल के रख दे। पैंट पैंट से क्या है? तुम्हें दिल लगी। गुलू शादी में जा रही है क्या? किसी भी हाल में छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घर में सेफ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल सेफ हैं घर के अंदर। और अभी अभी उठे हम लोग सो के, क्योंकि सुबह रात को लेट सोए थे लोहड़ी फंक्शन की वजह से, और घर पे गेस्ट भी आए थे भैया भाभी, तो थोड़ा टाइम हो गया हमें सोने में ना। तो हम सो गए थे, सोने के बाद फिर उठ गए थे, दोबारा सो गए। तो अभी हम फाइनली उठ चुके हैं। अब देखिए चीकू चला गया ट्यूशन। हाँ, चीकू ट्यूशन जा चुका है और अब हम देखते हैं हम क्या करने वाले हैं। गाइस, आप सभी को हमारी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। तो अरमान जी खा रहे हैं यहाँ पे फ्रूट्स एंड प्रोटीन। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो सबको हैप्पी लोहड़ी थी कल, तो सब खुश रहे, सब ठीक ठाक हैं और लेट उठे हैं शायद कब सब। तो ये हमारे सारे ड्राई क्लीन के कपड़े आ गए हैं जो हमने ट्रिप से आने के बाद ड्राई क्लीन करवाए थे। तो आप लोग देख सकते हो मतलब कितने सारे कपड़े हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पन्निया भर के हैं अपन। अब ये वापस लगाने में पड़ेंगे, लगाना भी है। किसे डाली थी? कौन सी? अरे पायल, तो वही वाली जुराब है जो पता थोड़े दिन पहले अभी कपड़े लपेट रही थी ना मैं कल, तो सारे जुराबों के जोड़े बनाए। एक मेरे को सॉक्स मिली थी, मुझे लगा कि पता नहीं कहीं घूम ना गई हो। ड्राइक्लीन हो गया है यार, इसको तो संभाल के रख दे, पायल के पार्टी में पहनेंगे। तो आज ठंड जो है वो बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने पहले स्वेटर पहना था, अभी मैंने पोंचो पहना है और गोलू ने वही मेरा सोनपरी वाला सूट पहना है। क्योंकि आज मेरा रोल था बहू का, तो फिर मैं बहू बनी थी, तो गाइस सिंदूर भी लगाया है और एक प्यारी सी बहू बनी थी। तो आप लोग जरूर वो वीडियो देखना, वो वीडियो आएगी हमारे चैनल यूट्यूब पे शॉर्ट्स। बहू नहीं बनी थी, ये बेटे बने थे, बहू माँ थी। मम्मी आपको पता है हमने सपना दीदी के लिए सरप्राइज सूट मंगवाया, मतलब दीदी यहाँ पे थी ना। अच्छा, तब बोला था। तो ये सूट बोनिश ने दी है, वेलवेट का सूट है, पिंक कलर का, अच्छा है ना। दीदी की फिटिंग का है क्योंकि हमने उनको मेजरमेंट दी थी। साथ में नीचे शरारा है और सॉरी पैंट्स है। पैंट्स से क्या है? पैंट्स से गोलू, पैंट्स है। अच्छा पालो, वेलवेट है ना, वेलवेट चिपका हुआ है। और साथ में चुन्नी, तो ये सबसे बढ़िया सूट लगेगा ना सर्दियों के लिए, अच्छा है ना। दीदी को बहुत अच्छा लगेगा, कलर भी सुंदर है। और मम्मी दो सूट और सुबह आए, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। रुको, ये वाला सूट है मेरा, ठीक है, पायल ने पसंद किया, मुझे पता नहीं था पायल ने बनवाया है। पायल के में मेजरमेंट तो है। ये पिंक कलर का सूट है मेरा और ग्रे कलर का, ग्रे और नियॉन कलर का सूट है पायल का। अच्छा लग रहा है ना? बहुत सुंदर है ना, दोनों सुंदर है। मतलब अनारकली, इनके शरारे, ये शरारा बनवाया पायल, क्या है शरारा, शरारा। पायल से एक बात तो है, अनारकली का फैशन कभी नहीं जाता, मतलब एक ऐसा फैशन है जो हमेशा इन रहता है, कभी भी पहन लो अनारकली, हमेशा अच्छा लगता है। कलर भी बहुत अच्छे हैं। तूने निकाले तो है बेटा, लेकिन अच्छे से रख दियो, अभी पहनने नहीं है। ठीक है पायल, अच्छे से रख, सुबह भी मैंने अच्छे से रखे थे। बड़े खोते ना एक्साइटमेंट होती है दिखाने की। शूट करेंगे इसमें अच्छा सा ना? हाँ यार, अच्छे से लुक करेंगे इसमें। तो गाइस आज भी मौसम बहुत ही ठंडा है, बहुत ही ज्यादा ठंडा है, मतलब कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं बाहर का दरवाजा खोलती हूँ ना तो बर्फीली हवाएं अंदर आ रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि हमारा जो फ्लोर है वो 8th फ्लोर पर है और सामने खेत है, तो उसकी वजह से ज्यादा ठंड आती है। तो हम लोग जिम तो जा नहीं पा रहे, तो मैं ये सोच रही थी काम करते वॉक करने जाते हैं। सुबह वॉक के लिए उठते हैं तब भी ठंड है, शाम को भी ठंड है, तो ऐसे तो हमारी वॉक हो ही नहीं पा रही और घर बैठे बैठे हम बहुत मोटे हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो हम लोगों ने सोचा है कि डांस क्लास ज्वाइन करते हैं। डांस क्लास से क्या होगा, थोड़ा सा हमारा वेट भी लूज होगा और हमें डांस करना भी आ जाएगा, क्योंकि मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, एक गाना ही सुना दो। ठीक है सुना देती हूँ, हमारी ऑडियंस सुनेगी। तो मैं गाना सुना रही हूँ। गाना सुनाने से पहले एक मेरी वो है, रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी आवाज अच्छी लगे तो कमेंट इतने सारे कर देना, इतने सारे कर देना कि मेरे को अरमान जी रिकॉर्ड टूट जाए, रिकॉर्ड टूट जाए। अब मतलब आज तक के हमारे सारे व्लॉग्स का रिकॉर्ड टूट जाए कि क्या आवाज थी मैम, क्या आवाज। तो मैं शुरू करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, हमें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। गाना बोली रुक जा, यही डलेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। मैंने नहीं डिलीट किया। जितनी आपने लाइन सुनी, जैसे भी हैं सामने हैं, तो जो इसने नहीं नहीं नहीं, मैं दोबारा गाऊंगी, कोई बात नहीं, जो पुराना भी डलेगा बेटा। हाँ वो भी डाल दे, कोई बात नहीं। भूल जानी पड़ेगी, मैं दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, कभी उसी से लगा कर तो देखो। खुल के गा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल। आगे तो बोल कुछ।
मैं बिना लीड के गा लेती हूँ, ये मैंने गलत करा है, मैंने गलत करा है, दोबारा आपका ध्यान इधर जा रहा। तो गाइस आज हम फाइनली रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं डांस सीखने के लिए। कल भी ऐसे जाना था हमें डांस सीखने के लिए, हम घर से भी निकले थे बट कल क्या हुआ, बहुत सारे काम थे जो रह गए थे। पायल का फोन लेना था, पायल का डाटा ट्रांसफर करना था, फिर हमारे 5 मिलियन होने थे। तो उस खुशी के अंदर हम भागे भागे घर से, वहां से आए, डांस क्लास के लिए लेट हो गए, पर आज हम जा रहे हैं एकदम टाइम से। तो पायल कर रहे हो वहाँ पे मेकअप, मैं ऑलमोस्ट हो गई हूँ रेडी क्योंकि मैंने पहले मेकअप कर लिया था दोपहर को। तो मैंने पहना है टॉप, नीचे जीन्स, और आप लोगों को बोल रही है क्यों जीन्स थोड़ी पहना, पजामा पहना। अच्छा सॉरी गाइस, सॉरी, सही बात है, पहना है टॉप और नीचे पहना है ट्राउजर, पायल ने पहना है टॉप और नीचे पहनी है लेगिंग्स। तो मैं आप लोगों को अपने नए शूज भी दिखाती हूँ जो कि हम लोगों ने लिए थे आज, मैंने पहने हैं फर्स्ट टाइम, पायल ने पहने हैं फर्स्ट टाइम। गुलू तो पता हमारे पे मेकअप क्यों नहीं शूट कर रहा, क्यों? क्योंकि बाल इतने ज्यादा है फेस पे और हम ब्लीच नहीं करवा रहे हैं। हाँ यार मेरे भी फेस पे, तेरे तो पायल फिर भी कम है, मेरे बहुत ज्यादा फेशियल हेयर है, बहुत ज्यादा। अरे मेरे देखना कि यहाँ यहाँ तक है, मुझे डॉक्टर ने मना किया है, रूबी ने ब्लीच नहीं कर, ब्लीच नहीं कर, पहले हम ब्लीच करते थे ना, बहुत ब्लीच करते थे ना, तो इसलिए मैं ब्लीच नहीं करा रही हूँ। और उनके पास हम आज जाना था, फिर पता नहीं क्या हुआ हम गए नहीं। गुलू शादी में जा रही है क्या? नहीं क्यों, इतना तैयार हो रही है, यहाँ बालों कंघी करी थी, बालों में कंघी बाल, करी थी कंघी, बाल कंघी लायक है ये? नहीं यार कंघी लायक तो नहीं है बाल, बट फिर भी हेयर फॉल हो रहा है मुझे बहुत। तो गाइस अभी बज गए हैं रात के 8:30 और अभी अभी हम डांस क्लास से आए हैं। बहुत ही मजेदार एक्सपीरियंस था, मतलब कि हम काफी टाइम से जिम नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले हम लोगों ने किया वर्कआउट, फिर थोड़ा सा कार्डियो किया, फिर थोड़ा बहुत डांस सीखा, नाच मेरी रानी, उसमें तो बहुत ही मजा आया, बहुत ही मजा आया। मतलब फर्स्ट टाइम थोड़ा सा ऐसा लगा कि डांस सीख सकते हैं और नया एक्सपीरियंस था, नया मजा था, तो बहुत अच्छा लगा। मैं कह रही हूँ फाइल और ये लेके आए ना, ये कहाँ पे लगाना है इसके? ठीक है तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम चीकू के लिए क्या लेकर आए। तो चीकू के लिए हम लेके आए स्टडी चार्ट 1 to 100 और ABCD, ताकि चीकू रोज इसे सुबह देखे, शाम को देखे, उठते सोते ये सब देखता रहे, क्योंकि ये बेस है, अगर ये दोनों चीजें आ गई तो सब कुछ आ गया। चीकू बोलू? हाँ। ये पेन का बॉक्स लाए और ये, हाँ ये फाइल के ना संभाल के रखनी है। तो आज हमने थोड़ी सी स्टेशनरी शॉपिंग की, जल्दी खाना खा लिया, मैं नीचे जाना पक्के लिए। ठीक है चलो, अपना ठीक करना है। हाँ ठीक है चलो चलो। तो गाइस कालू भैया ने भी न्यू चैनल बना लिया है राजा रानी का, तो उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जल्दी से जाइए आप उन्हें फॉलो कीजिए। तो खाना वाना हो गया है और चीकू के कपड़े मैंने चेंज कर दिया, मैं सोच रही हूँ मैं भी चेंज करूँ और जल्दी से मेकअप साफ करके अपना रूटीन जो है वो करूँ। तो पायल अपने शूज और मेरे शूज को संभाल के रख रही है बॉक्स के अंदर, क्योंकि वो खराब हो जाएंगे, हमारे नए शूज हैं, तो हम इसको अच्छे से संभाल के रख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे शूज हैं और चीकू के पापा ने बहुत प्यार से लिया है। हाँ तो इनकी चीजों को हम बहुत संभाल के रखते हैं, बहुत ही ज्यादा चीजों को हम बहुत ही ज्यादा संभाल के रखते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी चीज हो, मतलब उनकी चीज जो दी हुई होती है ना गिफ्ट में, ना तो हम किसी को देते हैं ना किसी को यूज करने के लिए देते हैं, और हमेशा संभाल के रखती है। फाइल उसमें रख दी हूँ, ठीक है, जैकेट रख के आ रही हूँ, ठीक है। चीकू के कपड़े मैंने रख दिया, जितना ट्रैकिंग होके आए तो ये रख दे बराबर है, ठीक है, मैं सारे कपड़े रख देती हूँ। हाँ सारा खाना वाना खा के और जल्दी सो, ठीक है भाई। तो अभी मैं और अरमान जी नीचे जा रहे हैं वॉक करने, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, बट वॉक करना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम लोग जिम नहीं जा रहे, तो अगर वॉक नहीं करेंगे तो घर बैठे बैठे मोटे हो जाएंगे, तो फिट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग भी ये जरूर ट्राई करें, खाना खाने के बाद जरूर वॉक करें, चाहे बालकनी हो चाहे सोसाइटी के अंदर। तो गाइस बहुत ज्यादा हवा चल रही है, पर क्या होता है ना जब आप पैदल चलते हो ना तो आपको गर्मी लगने लग जाती है, तो बस अभी खाना खाया तो मैंने ये सोचा कि ज्यादा नहीं तो 5 चक्कर तो लगा ही लेते हैं यार, तो बहुत ही गजब की ठंड है। बोलो कुछ कहना चाहते हैं बेटे? क्या कहना मैं ये बोल रही हूँ, बर्फीली हवाएं नहीं होती वो हमारे आसपास से क्रॉस कर रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा हाथ एकदम सुन्न है, बट तो कोई भी नहीं, चारों साइड में मजेदार मौसम है, मतलब कोई नहीं है, ये देख रहे हो आपके आसपास आपके अलावा कोई नहीं है। तो भैया हमने कसम खा ली है कि सुबह 7 बजे उठेंगे और रनिंग करेंगे और सुबह की धूप लेंगे लेंगे किसी भी हाल में, ये आज हमने प्रण किया है। क्योंकि जो हमारा काम होता है वो मोस्टली घर का होता है, तो हम पूरा दिन घर पे रहते हैं, तो धूप लेना भी बहुत जरूरी है, बाहर निकलना भी बहुत जरूरी है, अगर बाहर नहीं निकलोगे तो आपका फेस जल हो जाएगा, ये सच बात है। तो गाइस फाइनली वॉक कम्प्लीट, बस ऊपर जाऊँगा थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगा और फिर आराम करने वाला हूँ। बाकी बोलो कुछ कहना चाहती है? बिल्कुल आज हम टाइम से सोएंगे क्योंकि मॉर्निंग में मैंने अलार्म लगा लिया है 8 बजे का, तो बिल्कुल 8 o'clock शार्प में नीचे होंगी, तो अपना रूटीन सेट करेंगे। रूटीन सेट करने में थोड़ी सी दिक्कत जरूर आती है, बट एक बार अगर रूटीन सेट हो जाए ना तो आपकी ऑटोमेटिकली नींद उस टाइम पे खुल जाती है। पायल दूध ले आओ,
चीकू को दे दिया मैंने। हाँ। हमारा बस मैंने रखा हुआ है उस पे गैस पे ना हल्का गर्म कर दिया। ठीक है, खाना वाना खा चुके घर दूध ले आती हूँ। तो टाइम से सबका डिनर हो चुका है, दूध पी लिया है, चीकू सो गया है, पायल सो गए, बस मैं सोने के लिए जा रही हूँ। तो आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।